हेलो गाइज, आइए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 31 के बारे में। हम लोगों ने स्टार्ट किया है पीजीबीपी हेड के इनकम का कंप्यूटेशन करना। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि सेक्शन 31 के बारे में देखा था और सेक्शन 30 हमें क्या बताता है कि एक एसएससी को डिडक्शन दिया जाएगा उसके बिल्डिंग का। उसके अगर उसको कोई अपने बिजनेस या प्रोफेशन में कोई बिल्डिंग यूज कर रहा है और उस बिल्डिंग के ऊपर अगर उसने रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है तो उसे उसका डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, वो बिल्डिंग के बारे में बता रहा था, लेकिन सेक्शन 31 बताएगा हमें मशीनरी के बारे में, प्लांट के बारे में एंड फर्नीचर के बारे में। देखिए, सेक्शन को याद करने का मेन सिंपल सा तरीका यह है कि सबसे पहले हम जाएंगे बिल्डिंग बिजनेस में जाएंगे। सबसे पहले बिजनेस में जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, हमें क्या दिखेगी, बिल्डिंग दिखेगी। तो सेक्शन 30 हमें किसके बारे में बता रहा है, बिल्डिंग के बारे में बता रहा है। और जैसे ही हम बिल्डिंग में इंटर करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सब चीजें दिखेंगी। तो सेक्शन 30 हमें क्या बताएगा, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर के बारे में बताएगा। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, सेक्शन 31 अलाउ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन करेंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन में जो मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर यूज किया गया होगा और उसके ऊपर अगर हमने कुछ रिपेयर्स से संबंधित एक्सपेंसेस किए हैं या उसके इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किए हैं तो उसका डिडक्शन हमें मिलेगा। सिर्फ दो तरह के एक्सपेंसेस के बारे में यह सेक्शन बात कर रहा है, एक रिपेयर्स के बारे में बात कर रहा है और दूसरा हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बात कर रहा है और डिप्रिसिएशन के बारे में बात नहीं कर रहा है हमारा यह सेक्शन। केवल रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बात कर रहा है। और किसके ऊपर यह रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया गया है, वो मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर के ऊपर किया गया है। ठीक, तो उसका डिडक्शन मिलेगा, वो भी करेंट रिपेयर्स का मतलब यह है कि जिस प्रीवियस ईयर में की इनकम है और उसी प्रीवियस ईयर की एक्सपेंसेस को सिर्फ हम अलाउड करेंगे उस प्रीवियस ईयर में। ओके, कुछ कंडीशन है देख लेते हैं। कंडीशन यह है कि यूजेज ऑफ द एसेट, जिस एसेट पर हमने रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया हुआ है और उसे हम अलाउड कर रहे हैं एज ए डिडक्शन, तो क्या वह एसेट बिजनेस में यूज की गई है या बिजनेस में यूज नहीं की गई है। कहा गया अगर बिजनेस में यूज की गई होगी तो हम अलाउड करेंगे एज ए डिडक्शन रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम को, अन्यथा डिस अलाउड कर देंगे। कहा गया इन ऑर्डर टू क्लेम दिस डिडक्शन द एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ द एसएससी ओन बिजनेस, द प्रॉफिट ऑफ विच आर बीइंग टैक्स्ड। अगर किसी ऐसे बिजनेस में एसेट यूज की गई, एसेट का मतलब कि मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर किसी ऐसे बिजनेस में यूज की गई है जिनका प्रॉफिट क्या होता है, एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है टैक्स से, तो उसके रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। केवल कहा गया यह जो हमारा प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है,
वह उस बिजनेस में अगर यूज किया गया होगा जिस बिजनेस की प्रॉफिट टैक्सेबल होती है, उस पर टैक्स लगाया जाता है, तभी हम उसके उस मशीनरी प्लांट फर्नीचर के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम का या रिपेयर्स का पेमेंट किए होंगे तो अलाउड किया जाएगा। अगर किसी बिजनेस की प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है तो उसकी जो उस पर एक्सपेंसेस किया गया है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस अलाउड कर दिया जाता है। तो ये बता रहा है, इवन इफ एन एसेट इज यूज फॉर ए पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर द एसेसी इज इंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ द फुल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस चार्ज एंड नॉट मेरली एन अमाउंट प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ द यूज। कहा गया यूज, बिजनेस में प्लांट मशीनरी फर्नीचर यूज किया गया होना चाहिए, कितने दिन कितने महीने यूज किया गया है डजन मैटर, अगर एक भी दिन यूज किया गया है तो एक्सपेंसेस फुल होल एक्सपेंसेस एज ए डिडक्शन अलाउड कर दिया जाएगा। ओके, एक भी दिन अगर यूज किया गया है प्रीवियस ईयर में तो पूरे के पूरे जितने भी एक्सपेंसेस किए गए होंगे रिपेयर्स के नाम पर, इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर, वो डिडक्शन एज ए डिडक्शन अलाउड कर दिए जाएंगे। सेकेंड है जो सेकेंड है रिपेयर्स एक्सक्लूड रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। कहा गया रिपेयर्स में हम रिप्लेसमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे या रिकंस्ट्रक्शन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे हम एक्सक्लूड करेंगे, यानी रिप्लेसमेंट को या रिकंस्ट्रक्शन को हम रिपेयर्स नहीं मानते हैं। The term repairs will include renewal or renovation of an asset but not its replacement or reconstruction. यानी हम renewal या renovation को हम as a repairs मानेंगे, लेकिन replacement या reconstruction को हम क्या, replacement and reconstruction को हम repairs नहीं मानते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक पुरानी बिल्डिंग पुरानी मशीनरी पड़ी हुई है, इस मशीनरी को हमने रिप्लेस करके यहाँ नई मशीनरी लगा दिया, दैट इज रिप्लेसमेंट। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि एक हमारे पास एक प्लांट है, ओके, या बिल्डिंग है, मशीनरी जो भी है, फर्नीचर है, उसका हमने हटाकर उसे दोबारा वहां हमने रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया। रिन्यूअल का मतलब यह है कि उसमें कुछ चीजें नई हमने लगा दिया, जो ओल्ड मशीनरी हमारी यहाँ पड़ी हुई है उसमें रिन्यूअल कर दिया। रिन्यूअल का मतलब कि उसमें जो कुछ चीजें होती हैं, उसके जो कुछ पार्ट होते हैं वो हम नए लगा दिए, ठीक, नए लगा दिए, जिससे हमारी क्या हुई, प्रोडक्शन हमारा इफिशियंसली हो रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में देखते हैं। द डिडक्शन अलाउएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग द मशीनरी प्लांट और फर्नीचर इन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग डिडक्शन, द इंश्योरेंस मस्ट बी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द मशीनरी प्लांट और फर्नीचर। जो हमारा इंश्योरेंस किया गया है वो किसके बदले में किया गया है, वो किया गया है कि जैसे अगर हमारी प्लांट मशीनरी या फर्नीचर को कुछ रिस्क होता है तो उस रिस्क को हम क्या कर सके, मिट आउट कर सके। रिस्क फर्नीचर प्लांट मशीनरी से संबंधित रिस्क या उसके डैमेज या डिस्ट्रक्शन से संबंधित इंश्योरेंस किया गया होना चाहिए। सेकेंड हमारा बता रहा है द एसेट मस्ट बी यूज्ड बाय द एसेसी फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, और अकाउंटिंग ईयर में वो जिस बिजनेस जिस प्लांट मशीनरी या फर्नीचर को हमने के ऊपर हम इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में यूज की गई होनी चाहिए बिजनेस और प्रोफेशन में। द प्रीमियम शुड हैव बीन एक्चुअली पेड प्रीमियम क्या होना चाहिए, एक्चुअली पेड कर दिया गया होना चाहिए या पेबल अंडर द मर्केंटाइल
सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग, या अगर एक बिजनेसमैन है जो कि मर्केंटाइल अगर सिस्टम प्रयोग कर रहा है, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को अगर फॉलो कर रहा है, तो एक्रूअल बेसिस पर भी हो सकता है। कैश सिस्टम पर एक्चुअल पैड बेसिस हम लेंगे और मर्केंटाइल सिस्टम बेसिस पर हम पेबल बेसिस पर लेंगे, एक्रूअल बेसिस जिसे हम कहते हैं। ओके, द प्रीमियम मे इवन टेक द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ए ट्रेड एसोसिएशन विच अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई एंड इंश्योर इट्स मेंबर अगेंस्ट लॉस, सच प्रीमियम और कंट्रीब्यूशन विल बी डिडक्टेबल एज ए अलाउंसेस अंडर दिस सेक्शन इवन इफ ए पार्ट ऑफ इट्स इट इज रिटर्नेबल टू द इंश्योर्ड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक, और बताया गया है, इट डज नॉट मैटर इफ द पेमेंट ऑफ द क्लेम विल इंश्योर टू बेनिफिट ऑफ समवन अदर देन द ओनर, यह मैटर नहीं करेगा कि सम बेनिफिट ऑफ द समवन अदर देन द ओनर, अगर ओनर के अलावा अगर कोई और बेनिफिटेड होता है इससे इंश्योरेंस की अमाउंट से, तो वो मैटर नहीं करता है। देखिए इसका भी सेक्शन 31 का भी एक एक्सेप्शन है जिसे हम एक्सप्लेनेशन के नाम से जानते हैं, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 31। एक्सप्लेनेशन क्या है, करेंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट बी अलाउड। करेंट रिपेयर्स जो कि कैपिटल नेचर का होगा उसे हम अलाउड नहीं करेंगे एज ए डिडक्शन। हम बताया गया है अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करेंट रिपेयर्स ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर शैल नॉट इंक्लूडेड एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को ही हम अलाउड करेंगे एज ए डिडक्शन इन सेक्शन 31 में। इन अदर वर्ड्स करेंट रिपेयर्स अदर देन ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन इन योर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अदर देन कैपिटल करेंट रिपेयर्स को हम अलाउड करेंगे, लेकिन कैसा होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का। अदर देन कैपिटल नेचर का मतलब क्या हुआ, कैपिटल नेचर को छोड़कर यानी रेवेन्यू नेचर का हम अलाउड करेंगे, कैपिटल नेचर को अलाउड हम नहीं करेंगे। कैपिटल नेचर होगा क्या, पहले इसको समझ लीजिए, अगर हम कोई रिपेयर्स कर रहे हैं या कोई रिपेयर्स कर रहे हैं जिसका बेनिफिट आने वाले कई प्रीवियस ईयर में हमको मिलने वाला है, या उस रिपेयर से जो मशीनरी है उसकी इफिशियंसी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल नेचर, या जो हमारा रिपेयर्स का जो अमाउंट है वो बहुत लार्ज है, क्या है, बहुत लार्ज है, तकरीबन मशीनरी के आसपास की अमाउंट का है, ठीक, तो उसे हम कैपिटल नेचर कहेंगे। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।